अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर करेंगे वीक फाइव का, और कंटिन्यू करेंगे हम जी ट्रांसफॉर्म से। जो पहला टॉपिक आज हमने पढ़ना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रॉकिस की बुक में इस टॉपिक का नंबर 3.2 है। अच्छा, ये जो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स अवेलेबल हों सच दैट के एक सिग्नल एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स वन जी है और एक और टाइम डोमेन का सिग्नल एक्स टू एन, इसका ट्रांसफॉर्म एक्स टू जी है, और अगर हम चाहते हैं इनके सम का ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, तो वो हम इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक सिग्नल गिवन है और हम इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब हमें आयलर आइडेंटिटी की वजह से इसको स्प्लिट करना आता है, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, साथ यू ऑफ एन तो आएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों टर्म्स का अलग अलग जी ट्रांसफॉर्म लें और फिर उनको एड अप कर दें, तो वो इस एक्स ऑफ एन के जी ट्रांसफॉर्म के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ और कुछ स्टेप्स मैं बीच में स्किप करूँगी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि वो आप वहाँ पे फिलअप कर लो। मसलन इस एक्स ऑफ एन का अगर हमने ट्रांसफॉर्म निकालना हो जिसको हम एक्स ऑफ जी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों सिग्नल्स के साथ यू एफ एन मल्टीप्लाई हो रहा है, यू एफ एन रिफ्लेक्ट होगा हमारी लिमिट्स में, तो इस समेशन के लिमिट्स अब इंस्टेड के हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखें जैसे फार्मूला में होता है, तो यू एफ एन की वजह से ये लिमिट्स ज़ीरो से इन्फिनिटी लिखी जाएंगी। अब इस सिग्नल को यहाँ पर लिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्स का लेना चाह रहे हैं इस तरह से, और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, डू आई हैव इनफ स्पेस, नहीं आई गेस ये बहुत इसका सारा साइज भी छोटा हो जाएगा, मेरे लिखना ही मुश्किल है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखती हूँ। ठीक हो गया, और अब हम अगर ये कंडीशन लगाएं कि ये जो हमारे पास टर्म है इफ़ इट इज़ लेसर देन वन, ठीक है, इस कंडीशन की एप्लीकेशन के बाद हम इस समेशन को एक क्लोन के तौर पे लिख सकते हैं जो कि लिखा जाएगा इस तरह से,
ठीक है। अच्छा अब अगर हम इनका एलसीएम लें, मैं बिल्कुल अब लास्ट स्टेप लिखने लगी हूँ और आप इसको प्लीज़ वेरीफाई कर लेना। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन है, जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो कॉस ओमेगा नॉट एन का ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकालेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके। उसको हम लोगों ने आयलर आइडेंटिटी से दो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में स्प्लिट किया। यहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने बहुत सारे स्टेप्स स्किप किए हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे और इवेंचुअली आप इस सोल्यूशन में पहुँचोगे। तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करके देखना है। और ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी कि जब हम सम ऑफ टू और मोर सिग्नल्स कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आरओसी आता है दैट इज़ बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आरओसीज, कि जहाँ पे सारे आरओसीज कंबाइंड हो उस रीजन को फिर हम एक्स ऑफ एन का, एक्स ऑफ जी का जो फाइनल एक्स ऑफ जी आता है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग की। अगर एक्स ऑफ एन डिलेट या एडवांस्ड हो तो उसका ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से। ठीक हो गया, और इसका प्रूफ ये है कि लेट सपोज कि हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ जी है जिसका ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं इस तरह से। मतलब एक सिग्नल हमारे पास एक्स ऑफ एक्स वन ऑफ एन है, टाइम डोमेन का सिग्नल है, और उसका ट्रांसफॉर्म हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और सिग्नल है जिस जो कि बेसिकली डिलेड सिग्नल है। एक्स वन एन माइनस के बेसिकली एक्स वन के का डिलेड वर्जन है। अब हम इसका ट्रांसफॉर्म लिखना चाह रहे हैं या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो क्या होगा। तो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे जी ट्रांसफॉर्म का, और इसको इसके ट्रांसफॉर्म को हम लिखेंगे या डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टू जी से। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि अच्छा मेरा ख्याल है कि मुझे इधर बिकॉज मैंने के से रिप्रेजेंट किया इसको तो इट शुड हैव बीन के माइनस एम। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले ये गलत लिखा था और उसमें गलती क्या थी, ये हमें पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैं टाइम डोमेन सिग्नल कंसिडर कर रही हूँ उसमें जो मैंने टाइम का इंडेक्स है उसे के कंसिडर किया है। ठीक है, तो अब जो शिफ्ट कंसिडर मैं करूँगी वो के में करूँगी। जो सिग्नल पहले लिखा था इट वॉज नॉट मतलब इट वॉज़ नॉट टोटली रॉन्ग, लेकिन वो डिलेड सिग्नल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे एक्स ऑफ एन माइनस के की तो बेसिकली उसमें अब फ्लिपिंग इन्वॉल्व हो चुकी थी बिकॉज यहाँ पे जो टाइम का इंडेक्स है वो के है ना। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस के लिखूंगी तो वो बेसिकली इसमें फ्लिपिंग इन्वॉल्व हो गई थी। तो अभी हम फ्लिपिंग नहीं देख रहे, अभी हम क्योंकि सिंपल टाइम शिफ्टिंग या टाइम डिले देख रहे हैं तो मुझे इसको एक्स वन के माइनस एन यहाँ पर लिखना चाहिए क्योंकि टाइम इंडेक्स मेरा के है इधर। ओके, अगर मैं के ऑफ एन को एम अज्यूम करूँ तो माइनस के बेसिकली बन जाएगा माइनस के को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, z लिखा जाएगा, अब इसमें जो वेरिएबल है वो बेसिकली m बन जाएगा। ठीक है, m इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम लिखेंगे m और यहाँ पर हम लिखेंगे
जी रेज टू पावर माइनस एम प्लस एन। चूंकि हमारी समेशन का जो वेरिएबल है कंट्रोलिंग वेरिएबल दैट इज एम, तो एन उसमें अब कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हम कर सकते हैं उसको, तो जेड रेज़ टू माइनस एन इसमें बाहर आ जाएगा समेशन से, एम इसे मूव कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये हम लोगों ने इसको एक्स वन जी के तौर पे ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिया जाए, और अब उसमें हम उसके डिलेड वर्जन का ट्रांसफॉर्म देखना चाह रहे हैं, तो सिंपली होता यूँ है कि उसका ट्रांसफॉर्म हमें वापस मिल जाता है लेकिन इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि बिकॉज हम प्रॉपर्टीज इसलिए भी पढ़ते हैं कि अगर हम इन सिग्नल्स के साथ डील कर रहे हैं तो हमें उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, अब जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे एक्सप्रेशन में जितने भी अब टाइम के फैक्टर्स हैं उनमें एक जैसा शिफ्ट हो। इसकी मिसाल ये है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल कुछ इस तरह से गिवन है, तो इसके ऊपर इस गिवन स्टेट में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो सकती, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एन प्लस 3 है, यहाँ पर हमारे पास एन माइनस 5 है, तो शिफ्ट जो है ना टाइम में वो एक जैसा होना चाहिए हर फैक्टर में, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एन प्लस 3 माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, और साथ यू ऑफ एन माइनस 5। अच्छा, अब यहाँ पर ए रेज टू पावर 3 प्लस 5 यानी कि 8 इस तरह से बाहर लिखा जाएगा, और ए रेज टू पावर एन माइनस 5 इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, और साथ ये आ गया यू ऑफ एन माइनस 5। अच्छा, अब ये जो ए रेज टू पावर 8, आई होप इट इज़ विजिबल, ए रेज टू पावर 8 अब हमारे पास कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, और ये जो बाकी फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर जो है ए रेज टू पावर एन माइनस 5 और यू ऑफ एन माइनस 5, अब इसके ऊपर ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो चीज़ आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है वो ये है कि किसी भी गिवन टाइम सिग्नल में जो टाइम कोफिशिएंट्स जितने भी हों उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, उन सब में एक जैसा डिले हो। अगर एक जैसा डिले नहीं है तो पहले आपने एक जैसा डिले उसका बनाना है। अच्छा जी, टाइम शिफ्टिंग के बाद हम कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं थ्रू जी ट्रांसफॉर्म, और उसके करना निस्बतन आसान है अगर हमारे पास दो फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स अवेलेबल हों। मसलन अगर हमारे पास एक्स वन एन कुछ गिवन हो इस तरह से, और एक्स टू एन ओके 6 है। अच्छा, अब इनके रिस्पेक्टिव अगर हम ट्रांसफॉर्म्स लिखें, अच्छा चूंकि यहाँ पर मैंने कहीं भी एरो नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि जो बिल्कुल पहला पहला कोफिशेंट है दोनों वेक्टर्स का, ये और ये दोनों n इज इक्वल टू 0 के ऊपर लोकेटेड हैं। अच्छा जी, x1n का ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा इस तरह,
और एक्स टू एन का ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा इस तरह से। अब वन से लेकर 0 to the power -5 तक। अच्छा, अब हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगी तो फ्रिक्वेंसी डोमेन से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि हम इसको जी डोमेन बोलें। जी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगी क्योंकि जी डोमेन इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी डोमेन, दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट सिग्नल्स। अच्छा, अब इन दोनों फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, तो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन अवेलेबल होगा वो ये होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लेट्स कॉल दिस सिग्नल वाई ऑफ एन, मतलब वाई ऑफ एन इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू एन, तो हम जब इस सिग्नल को देखकर अब इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं और वाई ऑफ एन लिखना चाहते हैं, तो वन विल कॉरिस्पॉन्ड टू डेल ऑफ एन माइनस, मैंने आपको कल एक चीज़ ये बताई थी कि जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन अवेलेबल हो जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू वन हो, ठीक है, तो जी की पावर्स और उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग कोफिशेंट्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि टाइम डोमेन जो सिग्नल है वो किस तरह से डिवेलप होगा, टाइम पे किस इंस्टेंट पे मल्टीप्लाइंग कोफिशेंट, टाइम पे किस इंस्टेंट पे कौन सा कोफिशेंट अवेलेबल होगा या कौन सा सैम्पल अवेलेबल होगा। मसा 0 to the power -1 का मतलब ये है कि ये सैम्पल एन इज इक्वल टू वन के ऊपर लोकेटेड है, उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे इस तरह से, और चूँकि 0 to the power -1 के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी वन ही रहेगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद माइनस डेल ऑफ एन -6 प्लस डेल ऑफ एन -7। ठीक है, तो हमारा मतलब मेरा कम से कम एक ही लाइन में ये आंसर आ गया। आप लोगों का शायद थोड़ी ज़्यादा लाइंस में आए बिकॉज आपने एक्स वन जी और एक्स टू जी को आप मतलब आपस से मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन तक पहुँचना होगा। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन इज़ अ लिटिल ईजियर इन जी डोमेन। और एक्चुअली ऑन द फर्स्ट प्लेस हम जी डोमेन में सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसमें थोड़े से प्रोसेसेस आसान हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम डोमेन सिग्नल। ये जो मैंने टी डी लिखा है इट इज़ इट स्टैंड्स फॉर टाइम डोमेन सिग्नल बाय एंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, और मसलन ये कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है एक्स ऑफ जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए रेस टू पावर एन से अगर हमारा सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए हम करते हैं यूँ हैं कि एक एक्स ऑफ जी हम डिफाइन करते हैं जो कि एक टाइम डोमेन सिग्नल एक्स वन के का ट्रांसफॉर्म है, और हम एक और जी ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं जो कि एक्स वन के को ए रेस्ट पर के से मल्टीप्लाई करके जो हमें टाइम डोमेन सिग्नल मिलता है उसका उसका ट्रांसफॉर्म को हम एक्स टू जी कहते हैं। और अच्छा जी, अब हमने इसमें करना यूँ है कि एक्स वन के को लिखने के बाद जो बाकी टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म्स या एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्हें कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में जो कांस्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको हम अब कंबाइन कर लेंगे। मसलन इस टर्म को और इस टर्म को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं
इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर कंपेयर करें हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, तो हमें पता ये चला कि ये जो एक्सप्रेशन बेसिकली है, इट कैन बी रिटन एज एक्स वन जी माइनस ए, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक कोफिशेंट जी इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर कोफिशेंट जी माइनस ए। तो एक्स टू जी को हम, एक्स टू जी और एक्स वन जी का अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें तो एक्स टू जी को एक्स वन जी की टर्म्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था, अब यहाँ पर बेसिकली हम अपना आंसर लिख सकते हैं, एंड दैट आंसर वुड बी एक्स ऑफ जी अपॉन ए, ठीक है। तो अगर टाइम डोमेन में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिस पर एन मल्टीप्लाई होगा, तो जी डोमेन हमें इस तरह से मिलेगा कि जो ऑलरेडी अवेलेबल जी डोमेन में उसमें हर जगह जी की जगह हम जी बाय ए प्लग इन कर देंगे और रिजल्टेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास जी डोमेन का, वो फिर वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इस टाइम डोमेन सिग्नल से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे है इसकी जो हेडिंग है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ एन है जिसका जी ट्रांसफॉर्म हम एक्स ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल एन से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका ट्रांसफॉर्म हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन में प्लग इन नहीं करेंगे बल्कि थोड़े मुख्तलिफ तरीके से इसको डील करेंगे। एक्स वन जी हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्म एक टाइम डोमेन सिग्नल का जिसको हम लोगों ने एक्स ऑफ एक्स वन के लिखा और ये उसका रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम लोगों ने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, अब यहाँ पे जो जी पे डिपेंडेंट टर्म है दैट इज ओनली जी रेस्ट पावर माइनस के, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और हम डिफरेंशिएट करने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये टर्म समेशन से बाहर निकाली जा सकती है। बाकी रह गई हमारे पास ये टर्म। अच्छा, अब इसको अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी, और बेसिकली हम इसी का ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन का जो सिग्नल है वो एन से, मतलब अपने टाइम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका रिजल्टेंट जी ट्रांसफॉर्म सिग्नल कैसा बनता है। तो बेसिकली होता यूँ है कि उसके लिए हमें एक्स वन के का जो ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू जी और फिर उसको माइनस जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू द जी ट्रांसफॉर्म
ऑफ दिस टाइम डोमेन सिग्नल व्हेन द टाइम डोमेन सिग्नल इटसेल्फ गेट्स मल्टीप्लाइड विद द टाइम कोफिशेंट. ठीक हो गया. तो अगर x1 k का ट्रांसफॉर्म x1 z है तो k मल्टीप्लाइड बाय x1 k का ट्रांसफॉर्म इस तरीके से निकाला जाएगा. अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक ख़त्म हो जाता है. कुछ अगर कोई इक्का दुक्का प्रॉपर्टी रह गई है, मसलन हम लोगों ने टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करके, ये शायद शुरू की कोई प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हम करना चाह रहे थे, लेट मी पुट अ लाइन हेयर, और उसका रिजल्टेंट जो जी डोमेन में बनता है वो कुछ इस तरह से था कि जी डोमेन के जो दोनों सिग्नल से दे गॉट मल्टीप्लाइड. ठीक है, तो ये रिवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है कि टाइम डोमेन के दो सिग्नल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जी डोमेन के दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो वो इस तरह की कोई चीज़ शायद रह गई है, तो वो हम देख सकते हैं. लेकिन इस तरह के अगर सवाल आए मेनली तो ज़्यादातर टाइम डोमेन में कन्वॉल्यूशन का आता है, टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन का नहीं आता. वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आगे जाकर इस्तेमाल होगा FIR फिल्टर के डिज़ाइनिंग में, अदरवाइज़ इस तरह का सवाल जनरली थोड़ा मुश्किल होता है कि आपसे ये पूछा जाए कि जो दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाप इनका इनके जी डोमेन सिग्नल्स को कन्वॉल्व करके आंसर निकालो. वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हम ज़रूर करते हैं FIR फिल्टर डिज़ाइनिंग में, लेकिन हम उसकी जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके सॉल्व नहीं करते. तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर हमारी ख़त्म हो जाती हैं, और इनको अब हम जब जनरली जी डोमेन से हम लोगों ने वापस टाइम डोमेन में जाना होता तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करके टाइम डोमेन के सिग्नल्स इसीलिए निकालना चाहते हैं. अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रैशनल जी ट्रांसफॉर्म. पहले हम ज़रा इस टर्म का मतलब समझ लें कि रैशनल जी ट्रांसफॉर्म होते क्या हैं. हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस इक्वेशन और कॉन्वोल्यूशन पढ़ते हुए ये देखा था कि हमारे पास जिस तरह से सिस्टम फंक्शंस दे कैन ईदर बी FIR फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिसमें लाइक फ्यू इम्पल्सेस हैं हमारे पास, इसको मैं एन वन से एन टू लिख देती हूँ. ठीक है, अब बाई राइटिंग इट फ्राम एन वन टू एन टू आई मीन कि ये कुछ फिनिट टाइम ड्यूरेशन के ऊपर कुछ इम्पल्सेस लोकेटेड हैं. ठीक है, एन वन कैन बी एनी वैल्यू, एन टू कैन बी एनी फिनिट वैल्यू. तो इस तरह का जो एक फिल्टर, इस तरह का एक सिस्टम है जो जो वो FIR कहलाता है, फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक हो गया. और इस तरह के टाइम डोमेन सिग्नल का हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स, इस तरह के टाइम डोमेन सिग्नल का हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था. दैट इज सिंपल अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वन. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सकते हैं IIR इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है, और उसका एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ. कुछ लेट्स सपोज के हमारे पास इस तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सकता है. इट इज़ इन्फिनिट इन लेंथ. ठीक है, ये n इज इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होगा. हमें इस तरह से पता चला कि इसमें यू ऑफ n प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू ज़ीरो से शुरू होगा और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इस तरह का सिस्टम एक इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है. अब यहाँ पर जब हम इसका जब z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना चाहेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ हमारे पास कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल हैं. तो इस तरह के जी ट्रांसफॉर्म फंक्शंस को हम रैशनल जी ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर वन ना हो, जहाँ पर कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में या उनकी टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन अवेलेबल हो, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम रैशनल जी ट्रांसफॉर्म कहते हैं. और एक छोटी सी बात हम लोगों ने कल ये पढ़ी थी कि रैशनल जी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर कब होते हैं और इम्प्रॉपर कब होते हैं. मसलन अगर आप यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन को,
तो अब आपने थोड़ा सा इसको खुद सोचना है पहले, बेशक आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे सोचें, और उसके बाद फिर जस्ट टू चेक आप उसको अनपॉज कर लें कि एम की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस टू योरसेल्फ. एम की वैल्यू यहाँ पे 0 है और एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है. ठीक है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन. तो चूंकि एन इज ग्रेटर देन एम, बिकॉज एन इज ग्रेटर देन एम, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. और अगर हमने इसका जी, इस वाले एक्सप्रेशन का तो है जो, अगर हमने इन जी इनवर्स निकालना हो तो हम सिंपली टेबल से देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हमें कुछ डिवीजन के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन प्रॉपर फॉर्म. अच्छा, अब हमारे पास जो रैशनल जी ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, वो उसकी मुख्तलिफ शक्लों सूरतें हो सकती हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी तक जो हम लोगों ने जो शक्ल सूरत देखी है ना, रैंडमली तो शायद हमें दोनों ही देखी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्ली एक के साथ डील किया. वो अभी हम देखते हैं कि वो क्या है. मसलन हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेस होते हैं, वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, मसलन इस तरह से. ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं. A1 मल्टीप्लाई बाय जी इनवर्स, A2 मल्टीप्लाई बाय जी रेज टू -2, ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं और उनका हम सम कंप्यूट कर रहे हैं. तो ये बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है. और हम लोगों ने अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह से K इज इक्वल टू 0 टू एम बी ऑफ के और जी रेज टू पावर माइनस के के स्क्वायर के इज इक्वल टू 0 टू एन ए ऑफ के जी रेज टू पावर माइनस के, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर इफ ए नॉट एंड बी नॉट, दे बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, कोई नॉन जीरो वैल्यूज है, जरूर उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, नॉन जीरो होना ज़रूरी है. अभी हम जो बात करने लगे हैं, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अच्छा, ये अब मैं इक्वल्स टू का साइन यहाँ डालने लगी हूँ ताकि मेरे पास ये पूरा आ सके, कि हम बी नॉट और जी रेज टू पावर माइनस एम को कॉमन ले लें न्यूमरेटर से. ठीक है, और इसी तरह से हम नीचे डिनोमिनेटर में ए नॉट जी रेज टू पावर माइनस एन को कॉमन ले लें. अब हमारे पास इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा, ये हमने देखना है. अच्छा, ये तभी हम कर सकते हैं अगर ए नॉट और बी नॉट दोनों नॉन जीरो हों तो. ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गई, और चूंकि हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या ना भी कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एन एंड एम. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ आ जाएगा जी रेज टू पावर एम प्लस, अब ये B1 बाय B0 जी रेज टू पावर एम -1 प्लस, तो लास्ट टर्म हमारे पास आएगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखना चाहें, जी रेज टू पावर एन प्लस A1 अपॉन A0 जी रेज टू पावर एन -1 प्लस, और जो लास्ट टर्म आएगी हमारे पास दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. आई होप इट्स क्लियर इनफ. ठीक हो गया, हमने न्यूमरेटर में से बी नॉट
और जी डस्ट पार माइनस एम कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर में से ए नॉट जी डस्ट पार एन ए डस्ट पार माइनस एन कॉमन लिया था। तो वो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ली जाने वाली टर्म्स थी उनको मिला जुला के हमने कुछ ये चीज़ लिख दी, ठीक है। और बाकी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बच गई उनको हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक सिंपल ये एम पावर और ये एन पावर पॉलिनोमियल्स आ गए हैं जिनके हम रूट्स निकाल सकते हैं, और हम लोगों ने कल शायद ये किया भी था। तो रूट्स अगर हम इनके निकालेंगे तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके इसके एम रूट्स निकलने चाहिए क्योंकि इसकी पावर एम है, तो इस तरह से हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में इसको मैं जी और पी किसी खास वजह से लिख रही हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इवेंचुअली एक और तरीका इसको लिखे जाने का, के इज इक्वल टू वन टू एम जी माइनस जी के डिवाइडेड बाय, के इज इक्वल टू वन टू एन जी माइनस पी के, ठीक हो गया। अब अगर गौर से देखो तो ये बेसिकली अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स आ गए, ठीक है। सम्स या आप डिफरेंसेस उसको कह लो, कि वहाँ पर ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है जैसे z माइनस z इनवर्स, z माइनस z वन या z माइनस z टू, ये समेशन टर्म्स है, मतलब ये टर्म इटसेल्फ एक समेशन टर्म है, ये टर्म इटसेल्फ एक समेशन टर्म है, और इन सारी टर्म्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब हम लोगों ने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस किया है तो उसको फिर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखा। अच्छा, तो ये वाली जो दोनों रिप्रेजेंटेशंस है ना, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन जो मतलब यहाँ से आई है, और एक उससे पहले हम लोगों ने जो ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, इन दोनों को हम ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स को भी और इसी तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ सम को भी, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को हम ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन से अगर हम आगे चलें, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर की जो रूट्स हैं उनको z और डिनोमिनेटर के रूट्स को p से क्यों रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ से हम जरा आगे चलते हैं। और हम कल शायद हम लोगों ने z ट्रांसफॉर्म पढ़ते हुए ये चीज़ देखी भी थी कि जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं बेसिकली अगर लेट सपोज के z की वैल्यू हम z1 प्लग इन करते हैं एक्स ऑफ जी के एक्सप्रेशन में, तो ऑफ कोर्स मतलब जहाँ पर जी माइनस जी वन हम लोगों ने लिखा हुआ है तो उन सारे के सारे जीज में जी की टर्म्स में अगर जी माइनस जी वन प्लग इन हो तो जो ये वाली टर्म है ये जीरो हो जाएगी, और पूरा का पूरा एक्स ऑफ जी जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी जी को जी वन रख देने से या जी टू रख देने से या अप टू जी एम, मतलब जी वन से लेकर जी एम हम कोई भी वैल्यू रखें तो एक्स ऑफ जी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो z की वो सारी की सारी वैल्यूज़ जहाँ पर x ऑफ z ज़ीरो हो जाता है उन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम ज़ीरोस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो अगर हम z की जगह p1 या p2 या pn इनमें से कोई भी वैल्यू रखें तो x ऑफ z वहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा। तो z की वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पर x ऑफ z इन्फिनिट हो जाए उनको पोल्स कहते हैं, और डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं। न्यूमिनेटर के पोल्स न्यूमिनेटर के रूट्स जीरोस कहलाते हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स पोल्स कहलाते हैं। और आपको देखकर ये बिल्कुल फौरन पता चल जाना चाहिए कि हमारे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल्स शामिल नहीं होते, पोल्स
are always outside of the region of convergence. Why? Because x sub z becomes infinite at poles. अच्छा जी, अब एक दो छोटी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं. ओके, लेट मी गेट अ न्यू स्लाइड. मसलन हमारे पास x ऑफ z एक्सप्रेस्ड है 2 + 12 z इनवर्स प्लस 8 0 - 2. अच्छा -3, सॉरी. और हमारे पास ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म्स में एक्सप्रेस्ड है. हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म एक्सप्रेस करके पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करनी है. ठीक है. अच्छा, तो हम यहाँ पे यूँ करेंगे कि यहाँ पर जो ए बी नॉट है दैट इज़ 2, तो एक तो 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर जो m की वैल्यू है दैट इज़ 2, तो हम लोगों ने बेसिकली 0^-m कॉमन लेना है, तो 0^-2 कॉमन लिया जाएगा. और फर्दर हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 6z + 4. आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म कैसे आई है. अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर a नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो 1 हम मतलब कॉमन ले लिया या ना लिया, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो 0^-3 कॉमन लिया जाएगा, और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन होगा दैट वुड बी z³ + 1.5z² + 9z - 4. अच्छा, अब इसके मैं आगे रूट्स पे लिख देती हूँ ताकि आप उनको वेरीफाई कर सको. ऊपर हमारे दो रूट्स आएंगे, नीचे वहाँ पर 3 रूट्स आएंगे, और नीचे वाले 3 रूट्स में से जो 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों ने सम ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. वी कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो. ठीक है, हम नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं. अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ है जो कि हमने प्रॉब्लम मिस आउट की है, मैं आपको भी दिख जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी चाहिए. ओके, वो ये है कि इवेंचुअली हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस और पोल्स बनेंगे ना वो बराबर होंगे. ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पोल्स और जीरोस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ आते हैं. मसलन अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें तो m की वैल्यू हमें 2 और n की वैल्यू 3 नज़र आ रही है, और देखने में कि ये बहुत एक सिंपल सा प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है. ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अब न्यूमिनेटर में अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप देखो तो दोनों में जो z की पावर है वो बेसिकली सेम है. ठीक है, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में भी 3z अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 3 z's अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, तो यही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पोल्स और जीरोस अपीयर होते हैं. ठीक है, और इवेंचुअली जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि पोल्स और जीरोस दे आर ऑलवेज इक्वलेंट इन नंबर. ठीक है, कुछ पोल्स और जीरोस तो फिनिट लोकेशंस पे होते हैं ना, जो कि
हमारे पास एक्सप्रेशन से अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब हम जी ट्रांसफॉर्म जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारा, जब हम उसकी टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट से जब प्रोडक्ट ऑफ सम पे गए, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पोल्स या जीरोज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट माइट बी एट जीरो और माइट बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फिनिट लोकेशन पे नहीं होते, ये जीरो या फिर इन्फिनिटी के ऊपर होते हैं। और ये जब हम उसका उसका स्ट्रक्चर या उसके टाइप चेंज करते हैं, उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज करते हैं, तो ये वहाँ पर आ जाते हैं। मसलन अगर मैं एक ट्रांसफॉर्म आपके सामने लिखती हूँ और आप उसको एक्सप्रेस करके देखना, उसकी फॉर्म चेंज करना, और आपको अंदाज़ा होगा कि उस सूरत हाल में एक पोल बेसिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसी को बेसिकली हम रिवर्स अगर करें, ठीक है, इसी को अगर हम रिवर्स करके इसका स्ट्रक्चर या इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज करना चाहें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक पोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उस पोल की वैल्यू ऑफ कोर्स अगर हम इन्फिनिटी डालें तो हमारे पास एक्स ऑफ जी जो है वो ज़ीरो बनता है। ठीक है ना, इस तरह से कि ये एक पोल आ जाएगा और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इस जीरो की वैल्यू, इस जी की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट होगी तो एक्स ऑफ जी जो है वो जीरो हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? अच्छा नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ। इस जी को जब हम जीरो डालें, ओके, जो जी को जब हम जीरो डालेंगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में, इस जी को जब हम जीरो डालेंगे तो एक्स ऑफ जी जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर एक पोल जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज एट जीरो। तो समटाइम्स हमारे पास पोल या जीरोस जीरो पे इंट्रोड्यूस होते हैं, और समटाइम्स पोल्स या जीरोस इन्फिनिटी पे इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा जी, और इसमें एक चीज़ है इसी टॉपिक में, दैट इज पर्टेनिंग टू पोल लोकेशन एंड टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ कॉजल सिग्नल्स। ठीक है, पोल लोकेशन एंड टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ कॉजल सिग्नल, इसका मतलब यह है कि पोल की लोकेशन को हम टाइम डोमेन के बिहेवियर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कहाँ पर पोल लोकेट होगा तो हमारे पास टाइम डोमेन का सिग्नल किस तरह से डेवलप होगा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा है ना कि सिग्नल कुछ अवेलेबल हो इस तरह का, तो इसका जो जी ट्रांसफॉर्म बनता है दैट इज एक्सप्रेशन दिस वे। ठीक है, अब इसमें जीरो कोई भी नहीं है अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो। ठीक है, वो तो अगर हम जी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो तब हमारे पास एक इन जीरो इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि फिनिट लोकेशन पे नहीं होता। लेकिन अगर हम सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जीरो नहीं है कोई भी, लेकिन एक पोल है विच इज़ लोकेटेड एट जीरो, विच इज़ लोकेटेड एट ए। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? अगर हम इस टर्म को जीरो के बराबर लिखें और वहाँ से जीरो की रूट निकालें जी की, तो डैट विल कम आउट टू बी ए। तो हमें पता चला कि पोल इस सिस्टम का ए की है विच इज़ लोकेटेड एट ए। अच्छा, और यही ही ए हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पोल की लोकेशन यानी कि ए को ज़रा हम टाइम डोमेन बिहेवियर के साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो इसका अगर मैं पोल जीरो प्लॉट करूँ तो वो हम करते कुछ इस तरह से हैं कि ये हमारे पास रियल एक्सिस ऑफ जी है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जी है, और जो ये यूनिट सर्कल बनाया जाता है एट यूनिटी वाई, उसका आंसर हम थोड़ा सा लेटर स्टेज पे देंगे। और अभी मैं अज्यूम करती हूँ कि ए मेरे पास यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, इट इट इज़ एट सम पॉइंट
विच इज़ लेसर देन वन, ठीक है। और मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल बनेगा टाइम डोमेन, उसको मैं एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करूँगी, दैट वुड बी समवेयर लाइक दिस, और ये ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो मेरा पोल है, इसको मुझे यहाँ पर बेसिकली क्रॉस लगाना चाहिए, ठीक है, पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लगाते हैं। अगर ये मेरा पोल ज़ीरो के बहुत पास हो, यानी कि इस तरह से करके, ठीक है, तो जो मेरे पास टाइम डोमेन सिग्नल बनेगा ना, वो मतलब ज़ीरो पर उसकी वैल्यू वन होगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत जल्दी से छोटी हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि ये इतना विजिबल है कि नहीं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ना, मतलब ये बहुत जल्दी से डिके कर जाएगा, इसका जो डिकेइंग रेट होगा इट विल बी वेरी फास्ट। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स अगर मेरे पास पोल वन के थोड़ा करीब करीब हो, ठीक है, तो इसका जो डिकेइंग रेट होगा ना, अच्छा मैं थोड़ा सा सो नीचे प्लॉट कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको ये ज़रा नज़र भी आए। ज़ीरो पर जिसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, और उसके बाद इसको मैं अपनी तरफ से तो हर वन से छोटा बन, मतलब छोटा करती जा रही हूँ, लेकिन आप शायद ये देख सकते हो कि इसका डिकेइंग रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लगिश है। और अगर एग्जैक्टली ये वन हो इसकी वैल्यू, तब ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस पोल को उठा के वन से बड़ा कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपको यहाँ पे भी देख के पता चल रहा है कि अगर इस ए की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए, तो ये एक बेसिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो पोल लोकेशन को देख कर हम टाइम डोमेन सिग्नल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये हमने उस सिचुएशन की बात की है जहाँ पर हमारे पास सिंगल पोल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं डबल पोल सिस्टम्स की। डबल पोल सिस्टम्स में हमारे पास अब ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि बोथ पोल्स आर लोकेटेड एट सम रियल वैल्यूज, रियल पोजीशंस, ठीक है, यानी कि दोनों पोल्स रियल हों। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस जी डोमेन में प्लॉट करना चाहूँ पोल्स की लोकेशन को, तो ये रियल एक्सिस है, तो दोनों पोल्स मेरे पास यहीं पे कहीं पे हैं, किसी भी जगह, मतलब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब तब अगर रियल एक्सिस हमने बोल दिया तो वो तो ऑफकोर्स इट्स ओपन। अच्छा, अब चूँकि रियल एक्सिस का जो पोल है, अगर मैं इस पोजीशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे लिखूँ मैं माइनस ए, क्योंकि ये माइनस ए के ऊपर लोकेटेड है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लेट सपोज कि बल्कि बेहतर है कि इसको मैं माइनस ए वन लिख दूँ और इसको मैं ए टू लिख दूँ, ठीक है। तो एक जो रियल एक्सिस का पोल है दैट बेसिकली कॉरिस्पॉन्ड्स टू दिस सॉर्ट ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन, ठीक है। तो अब इन दोनों की अपनी अपनी जो लोकेशंस है ना, उसके उससे देखकर या उसे मिलजुल के कुछ डिसाइड होगा कि टाइम डोमेन का इवेंचुअल सिग्नल क्या बनता है। ये वाला जो पोल है जो कि ए टू के ऊपर है, इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग सिग्नल बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस। तो अच्छा, इधर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इधर बेसिकली एन होना चाहिए, रेस्ट पर एन। तो इन दोनों को मिला जुला कर हमारा इवेंचुअल रिस्पांस बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों पोल्स ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि उसमें थोड़ी सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल हमारे पास कैसे बनता है। मसलन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वो लोकेटेड हैं कि इनका जो रियल वैल्यू है दैट इज़ लेसर देन वन, आई मीन समथिंग लाइक 0.7 और लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पोल्स
जिनका फिर रियल पार्ट 1 से कम हो, उन इस मतलब इस तरह का सिस्टम है हमारे पास जिसमें दो पोल्स हैं सिर्फ, जीरोज की फिलहाल हम बात नहीं करते, तो उनकी लोकेशन को देखकर अगर हम टाइम डोमेन सिग्नल प्रिडिक्ट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मैं इसका जो है इनवेलप बना रही हूँ कंटिन्यूस टाइम जैसा, वो थोड़ा सा मेरे लिए बनाना और आपके लिए समझना आसान होगा, लेकिन होगा ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, ये एक बेसिकली डिकेइंग साइन वेव की तरह की चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास इंस्टेड जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं वो लोकेटेड है इस तरह से कि जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास एक साइन वेव बन जाएगी। अगेन ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, मैं अपनी आसानी के लिए और आपके आपको समझाने के लिए इसको एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बना रही हूँ, लेकिन इट विल बी अ डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, और अगर हमारे पास जी डोमेन में पोल्स लोकेटेड इस तरह से हों कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो, सच दैट 2 फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा दैट वुड बी अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशली ग्रोइंग साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है, तो इनकी जो जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं इनकी बेसिकली रियल वैल्यूज़ को देखकर हम थोड़ा सा टाइम डोमेन सिग्नल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसी टॉपिक में अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास आता है सिस्टम फंक्शन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने इस सिस्टम फंक्शन की के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसको पहले भी एक दफा देखा था, जिस वक्त हम लोगों ने जी ऑफ एन को इनपुट कंसिडर करके जब सिस्टम को दिया था। ठीक है, जब हम लोगों ने जिस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जी ऑफ एन बेसिकली एक आइगन फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम फंक्शन की थोड़ी सी फेमिलियराइजेशन में वहाँ पर हुई थी। सिस्टम फंक्शन हम लोगों ने कहा था एच ऑफ जी को, और एच ऑफ जी बेसिकली होता है हमारे इम्पल्स किसी या सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का जी ट्रांसफॉर्म, उसे सिस्टम फंक्शन कहते हैं। एच ओ जी को ट्रांसफर फंक्शन भी कहेंगे, सिस्टम फंक्शन भी कहेंगे। अच्छा, ये निकाला किस तरह से जाता है, मैंने आपको कोई ये चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास इनपुट जी ऑफ एन की फॉर्म में हो तो आउटपुट हमें टाइम डोमेन में ही मिलती है, और उस इनपुट को यानी कि हम लोगों ने इनपुट को जी ऑफ एन अज्यूम किया है, इनपुट को हम सिंपली एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई करके आउटपुट को वाई ऑफ एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास इनपुट जी ऑफ एन नहीं है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम इनपुट को मैनी मैनी जी ऑफ एन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तब हम उसको एक्स ऑफ जी कहते हैं, और उसको एच ऑफ जी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें आउटपुट जो है वो वाई ऑफ जी की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एच ऑफ जी को हमें ज़रा इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में समझने या रिलेट करना ज़रूरी है। मसलन अगर हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना भी सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, कि हमारे पास एक जो आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है आउटपुट की ही पास्ट एंड वैल्यूज पे, और उसके अलावा इनपुट की पास्ट एम वैल्यूज पे। अच्छा, यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँ तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है,
और अगर हम अब अप्लाई करें जी ट्रांसफॉर्म, इक्वेशन के दोनों तरफ, तो वाई ऑफ एन का जो जी ट्रांसफॉर्म होगा दैट वुड बी वाई ऑफ जी प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन होगी, कि अगर मुझे वाई ऑफ एन माइनस वन का ट्रांसफॉर्म लेना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, वाई ऑफ एन माइनस टू का ट्रांसफॉर्म लेना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मुझे वाई ऑफ यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई ऑफ एन माइनस वन का ट्रांसफॉर्म लेना है तो दैट वुड बेसिकली बी इक्वलेंट टू जीरो टू पावर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ जी। इसी तरह से वाई ऑफ एन माइनस टू का ट्रांसफॉर्म लेना है तो दैट वुड बी जी ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ जी एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इस चीज़ को पढ़ा था। अच्छा, तो उस इक्वेशन के ऊपर, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के ऊपर अब अगर हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो देर आर बेसिकली एन डिलेड वर्जन ऑफ आउटपुट एंड एम डिलेड वर्जन ऑफ इनपुट, और जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये चीज। ठीक है, और यहाँ पर एक्स ऑफ सी और साथ सी रेज़ टू पावर माइनस के। अच्छा, इस लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है उसमें अगर हम वाई ऑफ जी कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विथ आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसको हम लिख सकते हैं देखो क्या, और हमें जी इस एक्सप्रेशन की वजह से पता है कि एच ओ जी को हम वाई जी अपॉन एक्स ओ जी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास अवेलेबल। जी है, ओके। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक डिफरेंस इक्वेशन अवेलेबल है ठीक हो गया, और हम इससे इस डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके सिस्टम फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। अब इक्वेशन के दोनों तरफ अप्लाई करेंगे जी ट्रांसफॉर्म, वाई ऑफ एन विल बी कन्वर्टेड टू वाई ऑफ जी। ठीक है, वाई ऑफ एन माइनस वन हमें मिलेगा इस तरह से, एक्स ऑफ एन माइनस वन का जी ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा इस तरह से, और एक्स ऑफ एन माइनस टू का मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अब सारी की सारी टर्म्स को हम जब आगे पीछे करके इकट्ठा करेंगे तो वाई ऑफ जी अपॉन एक्स ऑफ जी विच विल बी इक्वल टू एच ऑफ जी
यहाँ बस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसकी जो है ना, इसका ट्राई करना है कि जी ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकें। मेरे पास अभी उसका आंसर नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वी कैन सी। अच्छा, ये चूंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले आपको डिवीजन करके इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर बनाने का मतलब यह है कि आपको न्यूमिनेटर में 0^-2 से लेसर टर्म चाहिए, और उसके बाद फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने एक और टॉपिक कभी पढ़ना है, दैट इज वन साइडेड और टू साइडेड ट्रांसफॉर्म। ये जो भी हम लोगों ने किया है ना, ये उस वक्त एप्लीकेबल है जिस वक्त हमारे पास टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म हो। मतलब इस इक्वेशन में, इस या इस इक्वेशन के डेरिवेशन में एजम्पशन ये है कि हमारे पास जो इनपुट थी वो एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के ऊपर अप्लाई हो चुकी थी, वही चलती आ रही है अभी तक, ठीक है। एन इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर कोई इनिशियल कंडीशंस का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये जो एच ऑफ जी की कंप्यूटेशन है, इसमें ये अजम्पशन है कि हाँ बस देर इज नथिंग लाइक इनिशियल कंडीशंस, बिकॉज एन की वैल्यू माइनस इनफिनिटी। हाँ बस तब आता है जिस वक्त हम डबल साइडेड या टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म को कंसिडर करते हैं। तो हम लोगों ने सिंगल साइडेड जी ट्रांसफॉर्म को होपफुली इसके बाद देखना है। अच्छा जी, तो अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद है कि उस लेक्चर में हम फिर अपना जी ट्रांसफॉर्म भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करके फिर चैप्टर 4 हम लोगों ने शुरू करना है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।